इस वीडियो में आपको परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की डाइवोर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा लास्ट ईयर सितंबर में शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन दोनों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ चुकी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राघव चड्ढा इस समय लंदन में है और उनकी आईसाइट का काफ़ी प्रॉब्लम है और उनकी पोटेंशियल आई लॉस भी हो सकता है और उसके लिए उनकी एक सर्जरी भी होना है, जबकि परिणीति चोपड़ा इंडिया में ही हैं। और अब दोनों की डाइवोर्स को लेकर बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। KRK जो अपनी प्रिडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा डाइवोर्स लेने वाले हैं। KRK का कहना है कि राघव चड्ढा का पॉलिटिकल कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उनके पास अब एक ही चॉइस है कि वो UK में पॉलिटिकल असाइलम ले लें, और जब वो असाइलम ले लेंगे तो वो वहीं पर रहेंगे और वो इंडिया वापस नहीं आ सकते। और परिणीति चोपड़ा अगर अपने हस्बैंड राघव के साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें भी असाइलम लेना पड़ेगा और वो भी इंडिया वापस नहीं आ सकेंगी और बॉलीवुड में काम नहीं कर पाएंगी। उनका कहना था कि परिणीति चोपड़ा इतनी तो समझदार हैं ही कि वो कभी भी असाइलम नहीं लेंगी और वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बेहतर समझेंगी, ना कि राघव के साथ असाइलम लेने को वो अच्छा समझेंगी। KRK का कहना था कि परी कभी भी असाइलम नहीं लेंगी और वो राघव को छोड़कर इंडिया में ही रहना पसंद करेंगी और दोनों की डाइवोर्स हो जाएगी। KRK का कहना था कि डाइवोर्स बहुत जल्दी होने वाली है क्योंकि राघव चड्ढा काफ़ी समय से लंदन में ही हैं और वो इलेक्शन के दिनों में भी अगर वापस नहीं आए और इलेक्शन की पॉलिटिकल कैंपेन नहीं चलाई तो इसका यही मतलब है कि वो वहाँ असाइलम लेने वाले हैं और परी और उनके बीच में डाइवोर्स होने वाला है। आप इस खूबसूरत से कपल की डाइवोर्स को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।